घर में यहाँ चुनाव नहीं होता, अगर वो ऐसा बोलता तो मैं उसके दांत गिरा देता। पीड़ा गुस्सा काहे की पीड़ा है, हमारे परिवार ने जो पार्टी को दिया है उसका हमको ये सिला दिया इनने। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इंदौर में बीजेपी में ही घमासान शुरू हो चुका है। इंदौर एक से बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता ने एक कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला को हिस्ट्री शीटर बता दिया। फिर क्या था, विष्णु प्रसाद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सुदर्शन गुप्ता पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव का टाइम नहीं होता तो मैं सुदर्शन गुप्ता के दांत तोड़ देता। अगर मैं चुनाव नहीं होता, अगर वो ऐसा बोलता तो मैं उसके दांत गिरा देता। इस संगठन से ये बात जरूर करूंगा कि इस तरीके से बात करना क्या बोलते हैं, क्या उचित है। अरे आपका मन क्या कह रहा है, इस पार्टी में आपका सम्मान नहीं है, उसको छोड़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ चुनाव नहीं होता, अगर वो ऐसा बोलता तो मैं उसके दांत गिरा देता। ये भी आपको कह रहा हूँ, चुनाव हो रहा है, पार्टी का क्या बोलते हैं वो उम्मीदवार है, उधर उसके सामने मेरा लड़का चुनाव लड़ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे संजय शुक्ला यहां के कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। सुदर्शन गुप्ता के बयान से शुक्ला परिवार में काफी नाराजगी है। विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे और बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ला की माने तो वो सुदर्शन गुप्ता के इस बयान से काफी दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने वाला कोई नेता, कांग्रेस को लोग लठमार के भगाते थे, इतना त्याग करा, इतनी तपस्या करी और आज एक प्रत्याशी इस प्रकार की अर्गनल बातें मेरे पिताजी के मामले में कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक महीने के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं करूंगा और मैं संजय शुक्ला का काम करूंगा। आपको ये पीड़ा या गुस्सा जाएगा? ये पीड़ा गुस्सा काहे की पीड़ा है, हमारे परिवार ने जो पार्टी को दिया है उसका हमको ये सिला दिया इनने। चुनावी मौसम की वजह से बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शुक्ला जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, उस वक्त कोई पार्टी का झंडा लगाने तक को तैयार नहीं रहता था। उन्होंने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। हालांकि माना जा रहा है कि सुदर्शन गुप्ता के इस बयान से बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि विष्णु प्रसाद शुक्ला अब खुलकर अपने बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के पक्ष में आ चुके हैं। अगर मैं चुनाव नहीं होता, अगर वो ऐसा बोलता तो मैं उसके दांत गिरा देता। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चुनाव हो रहा है, पार्टी का क्या बोलते हैं वो उम्मीदवार है, उधर उसके सामने मेरा लड़का चुनाव लड़ रहा है।